बागपत जिले के एक बहुत बड़े गांव में लेकर आए हैं जो कि टॉप 10 विलेज में इसकी गिनती होती है भाई। तो हम बात कर रहे हैं बावली गांव की। तो आज हम बावली गांव की वीडियो आपको दिखाएंगे भाई। बावली गांव में क्या क्या चीज़ें खास हैं सब चीज़ें आपको इसी वीडियो में आज देखने को मिलेंगी। तो चलिए भाई आपको दिखाते हैं आगे। बावली का यहाँ पे मेन गेट बना हुआ है, ये देखिए बावली का मेन गेट है। ये बड़ौत रास्ता जाता है। तो अभी हम हाईवे पर हैं बावली में और देखो अमर शहीद अनिल तोमर द्वार, ये सड़क जो कि अभी बनाई गई है कुछ ही दिन पहले। अब हम आ गए हैं बावली गांव के प्रधान जी के घर पे। तो यहाँ पे देखिए काफी सारे लोग बैठे हैं, तो इनसे भी मिल लेते हैं। तो चलिए दो बातें आपकी इनसे भी करवाते हैं भाई। तो गांव के बारे में यहाँ के कुछ हम पता करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ अभी आपका नाम क्या है जी? अरपाल सिंह। खास बात तो यहाँ एक तो पंचायत घर बहुत अच्छा है, दूसरा एक शहीद स्मारक बहुत अच्छा है। पांच चार आदमी, एक चौधरी मुंशी सिंह भी है यहाँ जो बहुत फेमस आदमी हुए जी। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के 12 साल चेयरमैन रहे और 37 साल गांव के प्रधान रहे जी। चौधरी बलवंत सिंह भी हैं, वे कॉलेज के प्रेसिडेंट भी हुए हैं, काफी अच्छे आदमी हुए जी। यहाँ बहुत ही सम्मानित लोग, कोई स्टेट ऐसा नहीं बचा जो लोग यहाँ नहीं आए जी। इस पंचायत घर के अंदर भजन लाल, देवी लाल, देवगौड़ा, विदेशों तक आए और भाई दो तीन प्रधानमंत्री इस गांव के अंदर आए, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी और चरण सिंह तो थे ही। हाँ जी, एक वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, इस गांव में आए थे 59 में जी। 10 फरवरी सन 1959। देखिए बावली गांव बागपत जिले का लगभग 10 बड़े गांव में आता है। हाँ। पहले नंबर अठारह बीस हजार की आबादी होगी और यहाँ तीन गांव हैं। तीन गांव से मिलकर पंचायत, ग्राम पंचायत तीन ही प्रधान बनते हैं। 9000 के आसपास है। तो जैसे हाईवे बन गया अब तो काफी और भी ज्यादा डेवलपमेंट हो गया होगा गांव में हाईवे के बाद से। कीमत बढ़ गई जमीन की, कीमत बढ़ गई है काफी ज्यादा जी। बहुत लाभ हुआ, हर सुविधा होगी। एक तो पहले पहलवानी का शौक था, पहलवान बहुत थे गांव में, अच्छा गांव है, किसी की कोई ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं है, सब मिल चिल के रहते हैं। सोनू है भाई हमारे साथ, बस सबसे अच्छा गांव लगा है मुझे भाई। अच्छा, चलो संजीव कुमार जी है। अच्छा जी, मैं आता जी समस्या तो बता सके, अच्छा अच्छा ही कर दो, मैं पता नहीं समस्या है। अच्छा, मील वील की समस्या है। अच्छा, मील का कुछ नहीं, थाली तो वो तो सब ठीक है बस। नाम शियानंद है, शियानंद जी है। हाँ, काफी अच्छी बातें बताते हैं भाई गांव के बारे में इन्होंने हमें। बात ऐसी है हमारे गांव में, एक तो भाईचारा इतना बढ़िया है कि देखने को मिलेगा। हाँ जी, और फिर पहले से ही हमारा गांव इस बात में ये आओ भगत में
मतलब ये है कि नंबर वन पे माना जाता है कि बावली जितनी आओ भगत कोई करता नहीं। हाँ जी। और बाहर के आदमी की आओ भगत भी अच्छी होती है, भाईचारा है, सब मिलजुल कर रहे हैं। एक रामपाल है, रामपाल जी हमारे साथ देखो। और आप सतबीर सिंह, सतबीर जी हैं। तो ये है बावली गाँव के प्रधान जी। तो चलिए हम आपको बावली गाँव में और भी कुछ चीजें दिखाएंगे। थोड़ा और आपको दिखाते हैं कुछ आगे। ये बावली का बाजार है भाई। ये देखिए बावली के बाजार में अभी हम इस समय घूम रहे हैं। तो ये दिखा रहे हैं हम आपको बावली का बाजार। देखिए भाई बाजार की कितनी तंग गलियां हैं। तो बाजार में काफी है चहल पहल। दुकान किस नाम से फेमस है? मोहनी के नाम से। मोहनी के नाम से दुकान फेमस है। आपने काफी नाम सुना होगा भाई, बावली के पकौड़े बहुत ज्यादा फेमस है इस एरिया में, बागपत डिस्ट्रिक्ट में। तो बड़ौत और इधर बिराल तक के लोग जो है यहाँ पे आते होंगे। कहाँ कहाँ तक लोग आते हैं? आसपास के गांव के सभी लोग आते हैं। हाँ, क्योंकि हमने भी काफी नाम सुना था यहाँ के पकौड़े के बारे में। और पेड़े दो चीजें सुनी है हमने, ब्रेड पकौड़ा है, समोसा है और महेंद्र जैन के पेड़े है। अच्छा अच्छा, तो आप क्या क्या चीजें तैयार करते हो? ब्रेड पकौड़ा और पकौड़ा समोसा दो चीज बनाते हैं। आपके जो है ब्रेड पकौड़े ज्यादा फेमस है। मोहन मोहन जैन की दुकान है, जैन मंदिर के पास। जैन मंदिर के पास है, मेन बाजार में। मेन बाजार में। अच्छा, ये देखिए भाई काफी रहती है भीड़ इस दुकान पे। तो ये है पकौड़े की जो दुकान है। तो क्या रेट में, किस रेट में? 15 रुपए का होता है हमारा ब्रेड पकौड़ा समोसा। अच्छा, 15 रुपए का ब्रेड पकौड़ा और 15 का ही समोसा भी है। अच्छा अच्छा, ये ब्रेड पकौड़ा खाकर हमारा मतलब तबीयत खराब नहीं होती, बिल्कुल गैस बन गया था, कुछ भी नहीं हुआ मतलब। सब अपने पीछे मसाले लगाते हैं, प्याज है, गोभी है, शिमला मिर्च है, चकुंदर है, हरी मिर्च, धनिया, अदरक, सब चीज बेस्ट क्वालिटी लगती है। लोग जो मसाले हैं हमारे, जो मसाले हैं जो हमारे पापा तैयार करते थे। अच्छा अच्छा, मसाले घर पे तैयार करते हो? घर पे तैयार होते हैं, बाहर कुछ नहीं होता। देखिए भाई अब आपको हम एक और खास चीज, जो तो महेंद्र के पेड़े यहाँ पे जो स्पेशल पेड़े मिलते हैं, तो उस दुकान पे भी हम आ गए हैं। बावली गांव की क्रिकेट मैच चल रहा है यहाँ, और अब जा रहे हैं हम भाई हाईवे की तरफ, रोड की तरफ जा रहे हैं हम। बावली के अंदर से हम होते हैं बाजार के रास्ते। आ गया हाईवे, देखो सामने आ गया है भाई हाईवे। तो देखिए भाई अभी हम हाईवे पे हम चल दिए हैं बिराल की तरफ, यानी कि शामली की तरफ। ये देखिए ये यहाँ पे देखिए भाई राजभवन, ये है बावली का बहुत ही सुंदर भवन है, राज पैलेस, ये राजभवन है। देख लीजिए भाई राजभवन बावली का, जो कि है बहुत ही शानदार। तो चलिए भाई अब हम वापस राजभवन से आपको जो है और कुछ दिखाते हैं हाईवे पर। तो देखिए ये जो रास्ता जाता है, इधर बोर्ड लगा हुआ है, ये जाता है कहाँ, ये रेलवे स्टेशन चचरपुर और चचरपुर गुंगा खेड़ी है ना। तो भाई ये रास्ता जाता है, वो ये रास्ता जाता है। मंदिर है, ये है भाई दुर्गा मंदिर। और ये है यहाँ पे कैनरा बैंक है भाई बावली का, बस स्टैंड। और ये रास्ता जो जाता है इधर अंदर, ये जाता है मार्केट में, बाजार का रास्ता ये है भाई मेन।
अच्छा ये सर कहाँ खड़खड़ी बिजरौल जाता है रास्ता, ये बिजरौल चला जाता है भाई ये रास्ता, और बस यही रोक ले यहाँ से ही हम देखेंगे बस चलने की। अगर नहीं देखो भाई एक और बहुत ही शानदार घर है जो हाईवे पे, बहुत सुंदर मकान। तो बावली के कुछ चीज़ें हैं जो फेमस है वो मैंने आपको दिखा दी है भाई। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही भाई, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, और बावली गांव में क्या चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगी है वो भी हमें बता देना कमेंट करके। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो गोली आए बोलो, ठीक है भाई। तो गोली ने आज बावली गांव में मुझे घुमाया है, तो थैंक यू गोली को भी भाई। और चलिए भाई अब हम चलते हैं, तो आज के लिए भाई इतना ही, बाय बाय।